नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है और दूसरी तरफ भाजपा इस चिंता में डूबी जा रही है कि कैसे 2024 की नैया पार लगेगी। आरएसएस के मुख्य पत्र ने पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा है, एक ऑडिटोरियल लिखा है, और एडिटोरियल में उन्होंने बीजेपी को सलाह दी है कि केवल मोदी के चेहरे के भरोसे न रहें, मेहनत करें। दरअसल मैं इसको आरएसएस की सलाह नहीं मानता, ये केवल एक पत्रकार हैं, प्रफुल्ल केतकर जी, उन्होंने अपना विचार लिखा है। क्योंकि वो एडिटर हैं तो उन्होंने अपना एक विचार लिखा है, उसको लोगों ने आरएसएस का विचार मान के आगे चलाया है। लेकिन हाँ, ये जरूर चिंता की बात है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता सकता, और भी काम करने होंगे जो बीजेपी करती है। बीजेपी और आरएसएस का इतना बड़ा संगठन आज हो गया है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। वो हर आदमी के मन में घुस चुके हैं, हर घर में घुस चुके हैं, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर गांव में, जंगल में, जानवर में, हर जगह बीजेपी आरएसएस घुस गए। इतने सारे संगठन हैं, तो आप पहुंच तो आपकी हो गई है और आपको वोट भी मिल रहे हैं, वोट परसेंटेज भी आपका करीबन 50% हो गया पूरे देश भर में। लेकिन कभी कभी जो जनता का मूड बदलता है तो उसमें फिर पता नहीं चल पाता कि क्या होता है। जैसे आपने कर्नाटक में भी देखा या हिमाचल में देखा, आप कहने को कह सकते हैं केवल 1% वोट से हमारे, लेकिन हार तो हार होती है। ये चिंता क्यों है? दरअसल चिंता इसलिए है कि कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी 23 जून को पटना में बहुत बड़ी बैठक हो रही है, और इस बैठक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते वो भी इस बैठक में आ रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है कि जिनको कांग्रेस से नफरत है या एतराज है, उनके रिजर्वेशन है, वो लोग नीतीश कुमार के नाम पर आमने सामने बैठ सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने नहीं बैठ सकते, तो नीतीश कुमार के साथ बैठ सकते हैं ममता बनर्जी, टीडीपी या तेलंगाना टीआरएस। ये अगर कांग्रेस के सामने नहीं बैठ सकते तो अलग बैठ सकते हैं। तो इसलिए करीबन 13-14 दलों का एक मीटिंग 23 जून को होनी है। इधर बीजेपी को क्यों चिंता बढ़ रही है? क्योंकि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है या जो उनका सीटें हैं, इसमें 302 सीटें बीजेपी को, पिछली बार 305 सीटें आएंगी, और ये बीजेपी की मैक्सिमम है, यानी अधिकतम सीटें जो बीजेपी को मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल और कर्नाटका, ये राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को वोट मिलते हैं, बीजेपी को सीटें मिलती हैं। तो ये मैक्सिमम सीटें बीजेपी जीत गई है। अब इन सीटों का, क्योंकि अगर कोई एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वहां से नीचे उतरता ही उतरता है, ये रूल है, प्रकृति का रूल है कि हमेशा कोई भी आदमी एवरेस्ट पर बैठा नहीं रह सकता, यानी शीर्ष पर कोई नहीं बैठता। एक दौर आता है कि प्रधानमंत्री का दौर है, मोदी का दौर है, या इससे पहले इंदिरा गांधी का दौर था, या उससे पहले जवाहरलाल नेहरू का दौर था, सचिन तेंदुलकर का दौर था, विराट कोहली का दौर था। इनके अपने जो दौर होते हैं उसे पीक पर जाता है, फिर उसका ढलान आता है। तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आई और वोट परसेंटेज, सीटें बढ़ी, तो अब मैक्सिमम आप पहुंच गए, तो अब नेचुरली अब आपको नीचे आना है। आपकी 25 की 25 सीटें राजस्थान में वापस नहीं आने वाली है, कर्नाटक में आपकी 28 में से 25 सीटें आपके पास है, वो 25 नहीं आएंगी क्योंकि वहां राज्य में सरकार बदल गई है, तो आपकी 2-4 सीटों का डेंट जरूर लगेगा। छत्तीसगढ़ में आपकी 11 में से 10 सीटें हैं, आपकी गुजरात में सभी सीटें आपके पास हैं, उत्तराखंड में सभी सीटें आपके पास है, दिल्ली में सभी सीटें आपके पास है, तो एक दो सीटें तो नीचे आएंगी। ये जरूरी नहीं कि आप 100% चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए चिंता है कि हम कैसे, जो 272 सीटों का जो आंकड़ा है उसको कैसे पार करें। तो इसलिए बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है, और वो उन अलायंस से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी एरोगेंसी, ईगो या जो चुनाव जीतने का और जो अहंकार होता है उसके कारण पार्टी जो लोग छोड़ के चले गए थे, अकाली दल, टीडीपी, आपके
जेडीएस बीजेपी का पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन जेडीएस इस बार उनसे बात चल रही है। चिराग पासवान, जो पासवान की जब मौत हुई और दोनों दो गुट बने, तो एक गुट बीजेपी ने अपने साथ में रख लिया था और पासवान को एनडीए छोड़ना पड़ा, मजबूरन छोड़ना पड़ा, नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे हाल हरकतें और नीतीश कुमार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसको छोड़ना पड़ा, तो वो अब नजदीक आ गया है। नीतीश कुमार बीजेपी नहीं आ सकते, ये गारंटी नहीं है, लेकिन अभी के जो हालत है वो नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिशन को लेकर साथ चल रहे। बिहार की पार्टी जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीक थी, उपेंद्र कुशवाहा की, वो बीजेपी में आ गई है। तो बीजेपी अब उन दलों से संपर्क कर रही है जो उनके साथ कभी ना कभी एनडीए में रहे हैं और वो दोबारा से आए, ताकि जो सीटें बीजेपी की कम होंगी वो एनडीए की बढ़ेंगी, तो फिर 300 का आंकड़ा पार हो जाएगा, फिर उनकी 2024 में सत्ता में आ जाएगी। अब इसमें आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ऐसा क्यों लिखा कि मोदी के भरोसे न रहे, वो इसीलिए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, उनके नाम पर वोट मिल रहे हैं, उनके नाम पर संगठन तैयार हो रहा है, पब्लिक का एक लोकप्रिय चेहरा है, पब्लिक उनको प्यार करती है, लेकिन जो संगठन है, जो बाकी लीडर है, जो नंबर टू की जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो कहां है? बीजेपी में आज के डेट में दूसरे श्रेणी के नेता दिखने रहे, तीसरी श्रेणी के नहीं दिख रहे। तीसरी श्रेणी के कुछ कुछ दिख सकते हैं, जैसे हम बात करें कि अनुराग ठाकुर हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, इस जो पीढ़ी है, ये थर्ड जनरेशन पीढ़ी है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बीजेपी की भविष्य की उम्मीदें हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है उसमें कोई है नहीं, राजनाथ सिंह खत्म हो गए, अमित शाह ले देखिए थोड़ा सा बचे हुए वो भी, लेकिन वो भी ये नहीं कह सकते कि सब कुछ उनके पास है। और उनके साथ के इस पीढ़ी के जितने लोग हैं, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, ये अब ऐसा लगता है कि या तो उनके सामने ऐसे हालात पैदा हो गए या उनके अपने कारणों से अब उनका समय समाप्त हो रहा है। तो वो जो यंग की टीम तैयार करनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि जो भी बड़ा बनने की कोशिश करता है या जो चेहरा थोड़ा सा सरफेस में आता है, उस चेहरे को कुचल देने की कोशिश होती है, तो ये प्रॉब्लम। इसलिए शायद आरएसएस ने कहा होगा कि आप अपने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को भी खड़े करो ना। नरेंद्र मोदी की उम्र 74 ईयर्स हो गई है, 74 साल, तो कितना रहेंगे वो हमेशा उनके नाम पे, आप कैसे जीतेंगे? उनका समय है ना कि एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, अब उनको नीचे उतरना है। तो उनके साथ इस वक्त अगर कोई बात हो जाए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपने किसी को तैयार नहीं कर रखा, तो ये आरएसएस की चिंता है। बाकी संगठन बीजेपी का जबरदस्त है, 14 करोड़ तो केवल मेंबरशिप है। आरएसएस का जो संगठन है, जो बनवासी से लेकर और किसानों से लेकर और टेलीकॉम से लेकर मजदूरों के यूनियन से लेकर सब जगह, तो उसका कोई जवाब नहीं है। चुनाव आप जीत जाएंगे, जीत भी सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है कि मोदी का जो चेहरा है, उस चेहरे के साथ साथ हम और आगे क्या बनाए, तो इस जरूर इस चिंता को बीजेपी में और आरएसएस में चिंता है। और जो कांग्रेस में भी ये चिंता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के कारण जो अपना कद बढ़ाया, उसका हिमाचल में और कर्नाटक में रिजल्ट मिला, उनकी सरकार आई, लेकिन क्या राहुल का चेहरा इतना बड़ा है कि वो पूरे देश में मोदी वर्सेस राहुल चुनाव लड़ सके? तो इसलिए अपोजिशन कोशिश कर रही है कि अगर सबने मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा किया, बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया, तो तब बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जहां डायरेक्ट फाइट होती है वहां बीजेपी हारती है, और जहां ट्राइंगल होता है, जहां चार कोण के मुकाबले होते हैं, वहां बीजेपी जीतती है। तो इसलिए बीजेपी की चिंता है कि ये जो 23 जून की मीटिंग है उसमें यूनाइट ना हो, अपोजिशन अगर यूनाइट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और बीजेपी इसलिए जो उनके सहयोगी संगठन है उनसे मिल रही है। तो मित्रों आज के लिए इतना, अगर इसमें आपके कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए, मैं इस पर आगे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।